Assalamualaikum, मैं हूँ माहिरा बट एंड वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। 2007 से ODI क्रिकेट में डेब्यू करने वाले भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा, जिन्होंने अपने कैरियर के आगाज़ में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक बेहतरीन क्रिकेटर साबित हुए। किसी ने सोचा था कि इतने कम वक्त में रोहित शर्मा एक बेहतरीन खिलाड़ी साबित होंगे और दुनिया उनकी बैटिंग स्किल्स को मानेगी। 200 सिक्सेस कंप्लीट करने वाले पहले इंटरनेशनल क्रिकेटर बने और इसके साथ साथ जो भी ऑपोजिट टीम होती है उससे कड़ी टक्कर भी देते हैं। आज पाकिस्तानियों से हम रोहित शर्मा के हवाले से जानेंगे कि उनकी जर्नी और उनकी सक्सेस के हवाले से वो कितना जानते हैं और क्या कहना चाहते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। हे गाइज, आई हैव ग्रेट न्यूज फॉर यू। OneXBet ऑन दिस साइट यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ कूल गेम्स ऑनलाइन, वॉच स्पॉट रिजल्ट्स एंड गेट बिग मनी। Register, play and multiply your money several times. And with my promotional code 009215, you will receive a bonus up to 100 euros. Link description mein maujood hai. Abhi jaayein aur is offer se fayda uthaayein. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ye batayega ki Rohit Sharma ke kitne bade fan hain aap? देखिए, रोहित शर्मा जब क्रिकेट की बात आती है तो सबसे पहले इंडियन क्रिकेट में और पाकिस्तान दुनिया के क्रिकेट में रोहित शर्मा का नाम है, तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ रोहित शर्मा का। और उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? डेफिनेटली देखिए, जो लास्ट ऑस्ट्रेलियन सीरीज थी वो उसमें थे नहीं, तो जब कम बैक करते हैं आप तो बड़ा मुश्किल होता है। तो रोहित शर्मा ने एक दफ़ा फिर आके इंडियन टीम में दोबारा से अपनी क्लास को बताया, साबित किया कि वो एक अच्छे ओपनर हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं। और क्रिकेट की जो खूबसूरती है बल्लेबाजी में जो होती है, तो मुझे लगता है रोहित शर्मा से बेहतर बल्लेबाज इस वक्त पूरे दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। तो रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस के हवाले से आप क्या कहेंगे? हमेशा ही हर मैच में कॉन्स्टेंट परफॉर्मेंस हमें नज़र आई है। जरी बहुत 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 बड़ा प्लेयर है वो, और इंडिया के इस टाइम वो थम है पंजाबी जबान में, तो अच्छा परफॉर्म करता है। और बेसिकली उसकी तकनीक बहुत अच्छी है, उसकी बॉल को रीड बहुत अच्छा करता है, तो इसलिए अपनी तकनीक से, अपनी उसने मेरिट से गेम खेली, इसलिए उसने अच्छा परफॉर्म किया। आपको क्या फ्यूचर नज़र आता है? क्योंकि हम हमेशा ही एक विराट कोहली की एक हाइप क्रिएट रहती है हर जगह ही इन एवरी मैच, लेकिन आपको लगता है कि अगर विराट कोहली के बाद किसी को कंसिडर किया जा सकता है तो रोहित इज़ द वन? विराट कोहली तो ख़ुद कहता है कि वो मुझसे बहुत बड़ा प्लेयर है, वाइट बॉल पर स्पेशलिस्ट। तो जारी बात, इतना बड़ा खुद प्लेयर है विराट कोहली, उसको खुद बहुत पसंद है, तो मेरे ख्याल से इंडिया का कप्तान है विराट कोहली, उसकी लाइक में तो एबिलिटी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि बहुत अच्छा प्लेयर है, तो उसको मानना चाहिए। रोहित शर्मा जिन्होंने 200 सिक्सेस कंप्लीट कर ली हैं, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, जर्नी के हवाले से क्या कहेंगे आप? हाँ जी, क्या बात है, रोहित शर्मा ने हमेशा टीम में परफॉर्म किया है और सबसे बढ़कर वो परफॉर्म करता है। उसके 200 देख लें, उसके 100 देख लें, जस्ट वो अभी 50 करता है, उसके बाद फौरन ही वो बड़े शॉट्स खेल के 100 मुकम्मल करता है। बात तो यही है कि इंडिया का बड़ा बैट्समैन है वो शाहरुख। और ये तुम मानेंगे ना कि सेल्फिश प्लेयर नहीं है, टीम के लिए खेलता है? नहीं, सेल्फिश प्लेयर नहीं है, वो टीम के लिए खेलता है। खुसूसन इंडियन जो प्लेयर हैं वो टीम का पेन लेते हैं, वो टीम को बड़ा पेन लेकर खेलते हैं। बाकी तो आपको पता है क्रिकेट का क्रिकेट कैसे है, लेकिन ये है कि रोहित शर्मा बड़ा प्लेयर है। रोहित शर्मा मेरा सबसे फेवरेट प्लेयर है, तो उसने वो पहला क्रिकेटर है जिसने ना 200 सिक्सेस जो है ना कंप्लीट की इंटरनेशनल। वो सब ऐसा इंटरनेशनल प्लेयर है, मतलब वो अब मेरा फेवरेट है और मैं उसे देख के, मतलब जाहिर सी बात है, मोटिवेट होती हूँ। और विराट कोहली के बाद जो भी कंसिडर किया जाएगा वो जाहिर सी बात है रोहित शर्मा ही होगा। रोहित शर्मा एक ऐसा प्लेयर है कि मैं कई अपने बच्चों को, जिनको मैं खिलाता हूँ, क्योंकि कोचिंग लेवल 1 कोच हूँ मैं, और अब्दुल कादिर इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी में मैं कोचिंग करता हूँ, तो मैं बच्चों को ये चीज़ दिखाता हूँ कि यार ये देखो कितना गुड प्लेयर है। एक तो वो छोटे फुटवर्क से खेलता है, छोटे फुटवर्क से आपको 2-3 फायदे होते हैं। एक तो पुल बड़ा अच्छा लगता है, कट शॉट बड़ा अच्छा लगता है, और उसकी सभी शॉटें जब आप देखते हैं तो प्रॉपर प्लेयर है वो, कम्प्लीट प्लेयर है। और मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन टीम में इस तरह का, इस लेवल का कोई प्लेयर हो। मुझे, मैं आजादी तौर पे तो उसको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा की जो कामयाबी है उसके पीछे कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने सबसे ज़्यादा साथ दिया रोहित शर्मा का? माशाल्लाह से MS धोनी है, इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा कैप्टनी की है और उन्हें बहुत अच्छा मिडल ऑर्डर पे और ओपनर पे लेके आए हैं, और वो हमारे दुनिया के जो है ना बेस्ट बैट्समैनों में आते हैं, ठीक है। वर्ल्ड में उनका नाम है माशाल्लाह, बहुत हम उनके फ़ैन हैं, बहुत बड़े, ठीक है। उनकी क्लास है बहुत अच्छी, और इसके पीछे सबसे ये है कि नीयत और दिल अच्छा होना चाहिए इंसान का, ठीक है। तो वो बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। वो छोटी बॉल से भी हमने उनका इंटरव्यू सुने हुए हैं, वो खेलते रहे हैं और बहुत प्रैक्टिस की है, इस पीछे मेहनत का सारा जो है ना क्रेडिट यही जाता है कि वो मेहनत करते हैं। रोहित शर्मा जैसा कोई ओपनर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में है?
सवाल करके खुद हंस रही हूँ। ये आपने बहुत मुश्किल क्वेश्चन कर लिया। सवाल आसान है, जवाब मुश्किल है। हाँ, जवाब बहुत मुश्किल है। नहीं, सिंपल ही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो पाकिस्तान को शुरू से ही ओपनर्स का बहुत ज़्यादा क्लैश रहा है, वो कोई जोड़ी सेट नहीं रही, जैसे कि इंडिया में था गौतम गंभीर और रविंद्र सहवाग, इधर से रोहित शर्मा है, अब केएल राहुल आ रहा है, या शेखर धवन है, या केएल राहुल है, ये ओपनिंग कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को वैसी ओपनिंग नहीं मिली आज तक, जो पहले थी, पुराने वक्तों में थी ना, वो अब नहीं मिली। आपको लगता है कि उस क्लास का प्लेयर, रोहित शर्मा की क्लास का प्लेयर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कोई है, या इन फ्यूचर में कोई नज़र आता है अपने अलावा? जी देखिए, रोहित शर्मा नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अगर खूबसूरती की बल्लेबाजी में जब खूबसूरती की बात की जाए, तो बाबर आजम पाकिस्तान में एक उभरता सितारा है, जिस तरह से उन्हें प्रूव किया पिछले चंद सालों में। मुझे लगता है जो रोहित शर्मा के पास हैं, या तो बाबर आजम है, तो फिर उसके साथ विराट कोहली, मुझे लगता है उनके पास पास में। बिल्कुल। कौन है? मोहम्मद आमिर। हाय, मोहम्मद आमिर ने तो पहले भी टक्कर दी हुई है ना रोहित शर्मा का, और मेरे ख्याल से अब हमें लिटरली पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि अब भारत और पाकिस्तान का मैच हो, जिसपे हम देखें कि मोहम्मद आमिर और रोहित शर्मा आमने सामने, ऐसा हो ना? बिल्कुल होना चाहिए जी। तो शहनशाह अफरीदी जो हमारा नया आया है, अब तो वो बहुत अच्छे गेंद कर रहा है और बड़े मोमेंटम से गेंद कर रहे हैं जी। आमर का तो फिर क्या बात है, आमर ने तो बड़े बड़े बैट्समैनों को बिछाड़ दिया है, आमर की तो क्या बात है। तो वो हसन अली भी फॉर्म में आ गए हैं दोबारा। हाँ जी, हसन अली ने अपना कमबैक किया है, दोबारा नीचे खेल के आया, फॉर्म लिया है उसने, और कल के मैच का हीरो है जी। हाँ, आपको वो कौन सा प्लेयर लगता है पाकिस्तान का, कौन सा बॉलर लगता है अदर देन मोहम्मद आमिर जो रोहित शर्मा को टक्कर दे सकता है? शहीन शाह इस टाइम मेरे ख्याल से टॉप बॉलर है, अभी बड़ी अच्छी फॉर्म में है। हसन अली सेंट्रल पंजाब में से बड़ा अच्छा पंजाब में परफॉर्म किया है, तो वो दो तीन साल इंजर्ड रहा बेचारा, तो अभी कम बैक उसने किया और बहुत अच्छा कम बैक किया। देखिए जी, दिन होता है कुछ बॉलर का या बैट्समैन का, कह लें दिन होता है एक, लेकिन एक आप कहते हैं कि किसी को थोड़ा सा मतलब कि डिफेंस पे मजबूर करना, तो हमारे पास ऐसे बॉलर हैं। शाहीन इतना अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है, दुनिया के प्लेयर्स कोई भी चाहे उसके सामने हो तो वो उसको तंग करेगा। वैसे सर, जितनाज़ा बन जाता है कि जी भारत और पाकिस्तान है तो वो तो हमारे दुश्मन ही है, आपको लगता है कि इस दुश्मनी को भूल के ये दोनों मैच उनको बल्कि पाकिस्तान आना चाहिए, ताकि हमें भी मज़ा आए कि जब रोहित शर्मा पाकिस्तानी सरजमीन पर हमारे बॉलर्स को फेस करेगा? असल बात तो तब है ना, तब मज़ा आएगा, तब देखेंगे कि रोहित शर्मा कितना बड़ा प्लेयर है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये ज़्यादातर इंडियन ऐसा सोचते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ऐसा सोचती है, हम नहीं ऐसा सोचते। हम तो देखें हमारे मुल्क में विराट कोहली के कितने फ़ैन हैं, तो मैं तो खुद रोहित शर्मा का बड़ा फ़ैन हूँ, क्रिकेट खेलनी चाहिए। आपको याद होगा कि सचिन तेंदुलकर भी जब पहली बार आके पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, तभी वो बड़ा प्लेयर बना था। तो ये हमारा पाकिस्तान और इंडो पाक की हमारा स्टाइल ही ऐसा है कि एक दूसरे के खिलाफ जो परफॉर्म करता है वो 8-10 साल क्रिकेट खेल जाता है, लंबी क्रिकेट खेलता है। अच्छा, एक चीज़ जो हमने ड्यूरिंग कोविड देखी कि हमारे प्लेयर्स जहाँ पर अपने घरों में बैठकर एंजॉय कर रहे थे, वहाँ पर मतलब कुछ एक्सरसाइजेज भी करते थे, लेकिन उसके अलावा कोई प्रैक्टिस उस तरह से हमें नज़र नहीं आई। लेकिन रोहित शर्मा एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने एक कमरे में रहकर भी अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा, तो ये जो एक कांस्टेंट परफॉर्मेंस वो जो हमेशा ही करते हैं, आपको लगता है इसमें प्रैक्टिस का बहुत बड़ा किरदार है? देखिए मैम, कंसिस्टेंसी, आपकी लगन कितनी है अपनी गेम के साथ, आप सेंसियर कितने, तो मुझे लगता है रोहित शर्मा से, चूँकि 2007 में जब वो आए थे इंडियन टीम में, उससे लेकर 2013 में उनका एक ख़राब पीरियड गुजरा है, ये हम जानते हैं सभी, लेकिन 2013 के बाद जो उन्होंने बदला अपने आप को, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये उनकी कंसिस्टेंसी है। सर, रोहित शर्मा का जब कैरियर का आगाज़ हुआ था, ओडीआई क्रिकेट 2007 में शुरू की थी, बड़ा टफ टाइम उन्होंने देखा, बहुत मुश्किलात का सामना करा। हाँ जी, ये बात सही है। एक्चुअली बात ये है कि इंडियन बैट्समैन जो है ना, वो मेहनत बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। ये आप देखें जाकर रोहित शर्मा को, उसका आप डॉक्यूमेंट्री देखें, उसके अंदर वो रोज़ाना 300-400 मशीनों पर बॉल खेल रहा है, नेट प्रैक्टिस कर रहा है, हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है, उनका सारा दिन इस चीज़ में गुजरता है, तो वो है तो बड़ा मेहनती है रोहित शर्मा, इतना मुकाम किसी को नहीं मिलता, वो मेहनत से मिलता है। रोहित शर्मा को कुछ कहना चाहेंगे अगर फॉर्चुनेटली वो आपको देख लेते हैं तो? सही है, मैं उन्हें कहूँगा कि जी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं, हमारी दुआएं हैं कि वो माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर है। ठीक है, ये तो नहीं कहेंगे मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं नफरत करता हूं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने भी क्रिकेट है वर्ल्ड में जो भी हैं वो सीनियर हैं हमारे, ठीक है, तो हम उन्हें सपोर्ट करते हैं और हमें दिल से उन्हें पसंद करते हैं। ठीक है, हम उनकी कॉपी करते हैं, उन्हें
उन्हें देख के हम कुछ सीखते हैं, उनकी शॉट्स, उनकी जो फील्डिंग करते हैं, जो भी करते हैं हम उनसे सीखते हैं। ये नहीं कि हम नफरत करते हैं किसी से, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी प्लेयर हैं ठीक है, हम सबसे प्यार करते हैं। प्लेयर विद क्लास, ये टाइटल दे दिया गया है पाकिस्तानियों की जानिब से रोहित शर्मा को, और रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस के हवाले से पाकिस्तानी तो बहुत इम्प्रेस हैं, लेकिन पाकिस्तानियों का भारतीयों के लिए ये पैगाम है कि सही टाकरा तो तब होगा जब भारत और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आमने सामने होगी, और तब हम देखेंगे कि रोहित शर्मा हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स को कैसे फेस करते हैं। पहले इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।